वही पीथमपुर में पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देने वाले खनन माफिया के खिलाफ पत्रकारों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पीथमपुर में एकता कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। इसकी खबर पत्रकार आशीष डाबी ने कवरेज कर प्रकाशित की थी और उसके बाद से ही लगातार आशीष को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और अब एक बार उन्हें रास्ते में रोककर मारने की भी कोशिश की गई थी। अब इस मामले को लेकर पत्रकार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की। शनिवार रात में मेरे साथ दो अज्ञात बदमाश आए मेरे पास और मेरे को कहते ज्यादा पत्रकारिता कर रहा है और एकता कंस्ट्रक्शन की खबर लगा रहा है उस कंपनी की, तेरे को बताते हैं रुको। तो फिर मैंने मेरे बीच बचाव के लिए कहा कि तरफ भागा मैं और वैसे वो देख के वहाँ से भाग गए। फिर कल की शाम को शाम के समय मेरे साथी पत्रकार के पास एक फ़ोन आता है कि आप है ना, बोले आपकी जो साथी पत्रकार आशीष जाबी बोलो उसमें उसकी दो दिन में डिजाइन डाल देंगे। तो मेरे को कहा है मैं एकता कंस्ट्रक्शन कंपनी की खबरें लगा रहा हूँ और रोड में जो इनने गुणवत्ताहीन है और उसमें डस्ट मिलाकर उनने काम किया था उसको खबर मैंने प्रकाशित की थी। उसके माध्यम से एकता ग्रुप जो सागर के एकता कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ये मेरे को जान से मारने की धमकी और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो मैंने थाने पर आकर FIR उनके नाम दर्ज करवाई। प्रेस क्लब के एक हमारे साथी आशीष डाबी, इन्होंने क्या कुछ दिन पूर्व एक सर्विस रोड बन रहा है नगर पालिका के द्वारा उसकी खबर चलाई थी। खबर के बाद जो है वहाँ के उन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने जो है इनको जान से मारने की धमकी दी और कल जो है इनका रास्ता रोककर जो है प्राणघातक हमला करने की कोशिश की। मैं ये बताना चाहूँगा, आज तो हमने थाने पर आवेदन दिया और मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन ये अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन है। हम प्रजातंत्र में रहते हैं और आज इस देश के नागरिक हैं, एक पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अगर ये इन्होंने यहाँ तक यहाँ नहीं रोकी ये सब चीजें, तो आगे आने वाले समय में हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। एकता कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सर्विस रोड का काम कर रही है उसके संबंध में पत्रकार साथी आशीष डाबी ने एक रिपोर्ट को बनाई थी और उससे आक्रोशित होकर एक भूरा नाम का व्यक्ति जो उसके साथ दो आदमी थे आशीष डाबी को जान से मारने की धमकी रास्ता रोकने एवं टेलीफोन से गाली गलौज किया है। सेक्टर 1 थाना में प्रकरण पंजीकृत किया गया है और किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकार साथियों के साथ ही ऐसा हुआ है तो उसमें सख्त कार्रवाई की।